हेलो फ्रेंड, एसएस होम फूड में आपका स्वागत है। और हमारी चाय ऑलमोस्ट तैयार है। हम चाय नाश्ते के बाद देखेंगे लंच में हम क्या बना रहे हैं। कल मैंने आपको सारी प्रिपरेशन करके दिखाई थी कि मैं क्या क्या करती हूँ, पर आज मैंने सब तैयार करके रखा है। आज मैं सिर्फ बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये चना दाल और मूंग है, इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रखा था। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट ही इसे बना सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये अगर आप भिगो के बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। ये आटा भी मैंने लगा के ही रखा है। मैं रोटियां लास्ट में गर्मा गर्म बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर पे हम रोटियां लास्ट में और गर्मा गर्म ही बनाते हैं। और भिंडी, ये चावल है, इसको भी मैंने भिगो के रखा है। आपको पता ही है कि मैं चावल भिगो के ही बनाती हूँ। कौन सा भी चावल है मैं भिगो के ही बनाती हूँ। हम कुकर में पहले दाल डालेंगे, 1 ग्लास पानी और 1/2 ग्लास नमक, प्याज, ऑयल। अब हम ढक्कन लगाकर 2 सीटी लगाएंगे। यहाँ पर हमने कुकर रखा है और यहाँ पर हम भिंडी बनाएंगे। 1/2 चम्मच ऑयल, तेल गरम हो चुका है, राई 1/2 से भी 1/2 चम्मच, हींग, प्याज, हरी मिर्च। अब हम अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन को मैंने एकदम बारीक काटा है, आप पीस कर भी डाल सकते हो। 1/2 चम्मच हल्दी, 5 मिनट बिना ढके और 5 मिनट ढककर पकाएंगे। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक। अब हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हमारी भिंडी तैयार है, हमारे मूंग तैयार है। अब हम इसमें राइस बनाएंगे। अब हम मूंग बनाएंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/2 चम्मच ऑयल। अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च, 1 प्याज हो चुकी है। अब हम अदरक लहसुन डालेंगे। अब हम टमाटर डालेंगे। अब हम मसाला डालेंगे। 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मिलाएंगे। ये जल या चिपक ना जाए इसलिए 1/2 कप पानी। अब ये तैयार है। अब हम इसमें मूंग और चना दाल डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच चिकन मसाला डालेंगे। अब मूंग और चना दाल भी तैयार है। अब हम रोटी बनाएंगे।
अब सीधा शाम को चाय पर मिलते हैं। हम ये सुबह बनाई हुई रोटियों से नूडल्स बनाएंगे। हम इसे अच्छी तरह से रोल कर कट कर लेंगे। अब ये तैयार है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। रोटी नूडल्स अब हम रोटी नूडल्स बनाएंगे। एक बड़ा चम्मच तेल, ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम प्याज और कैप्सिकम डालेंगे। अब हम पत्ता गोभी डालेंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, हल्का सा नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, रंग आएगा इसको, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम रोटी नूडल्स डालेंगे, शेजवान सॉस, सोया सॉस, रेड चिल्ली, शेजवान फ्राइड राइस मसाला। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें नमक डालेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये तैयार है, अब हम इसमें हरा प्याज डालेंगे। डिनर में आज यही मैं बना रही हूँ, बाकी मम्मी ने बना लिया है मकई की रोटी और सब्जी, मैं सिर्फ यही बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसका ही वीडियो बनाया है।